कि मेरे इस्तकबाल के लिए इतने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो फुल खुश है भाई माशाल्लाह से। उम्मीदा सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आप सबका अपना बेरोजगार व्लॉगर। तो आज का दिन तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा लेट उठा क्योंकि तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। सारी रात तुम्हारा भी खंगे मारता रहा, बस खंगे। सालों की नींद भी बाजार की और अपनी नींद भी बाजार करके रखी। तो अब मैं जाऊंगा भाई नाश्ता लेने के लिए, सालों के लिए और अपने लिए भी। देखते हैं क्या बनता है नाश्ता। खैर, लेकिन सबसे पहले अपने इन तोतों को तो मैं कुछ डालू। ये बेचारे देखो यार, ये भी मेरे साथ भूखे बैठे हैं। लेट जो उठो मैं, इनको कुछ पूछने वाला तो है नहीं। लवारिस की आँख है ये भी। तो इनका दाना मैंने डाल दिया है इनके बाउल के अंदर। ये जो है ना मूंगफली के दाने और ये कुछ मिर्चे, ये इनकी सबसे फेवरेट चीज होती है सर्दियों के मौसम के अंदर। अब इनको मैं डालने लगा इनके पिंजरे के अंदर। हौसला देखना जरा, अब इन्होंने कैसे मूंगफली के ऊपर पढ़ना है। ओए पढ़ो, मेरे पे पड़ी जा रहे हो रामियो। एक मिनट, एक मूंगफली निकाल के दूंगा ना इनको यहाँ से, देखना जरा कैसे पकड़ेगा। अरे मूंगफली नहीं है, ये अखरोट है। चल तू ये खा ले। अच्छा मूंगफली चाहिए, ये लो मूंगफली ले लो भाई। मूंगफली के फुल शुदाई है, फुल शुदाई मूंगफली के। हमसे ज्यादा इनको मूंगफली पसंद है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा था। ये देखो सारों ने अपने अपने हाथों में एक एक मूंगफली पकड़ी हुई है, दोनों लड़ रहे हैं इस पे। यार क्या लव है मूंगफली इनका। तो अभी से मैंने पैसे पकड़नी है, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट और वहां से जाके मैंने पकड़नी है डबल रोटी और अंडे, क्योंकि आज हम खाएंगे ऑमलेट। हमारे भाई ने अब अंडे और डबल रोटी पकड़नी है और अब तुम्हारा भाई जाने लगा दूध वाली दुकान के ऊपर, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है भाई। ये रही, यहाँ से लेंगे दूध और फिर चलेंगे घर। यार मैं घर आ गई हूँ सामान लेके, तो अम्मी ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। तो अम्मी आप ऐसा करें कि आप ना ऑमलेट रहने दें, मेरे आप मीठे स्लाइस बना दें। मैं अपने फ्रेंड्स को मीठे स्लाइस खिलाऊंगा आज अपने साथ, ठीक है? मीठे स्लाइस हाँ जी, वो बना दें। तेरी तबीयत खराब है? कोई मसला नहीं, मीठे मीठे खाऊंगा, मजा आ जाएगा। हो जाएगी ठीक उससे, देखना जरा आप। ये फैंस का प्यार और मोहब्बत है, वो मिठास है जो मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ आपके मीठे स्लाइसों में। बस ये बात है यार। अम्मी ने काफी देर से मुझे आवाजें मार मार के बुला रही है कि आजा आजा वीडियो बना जा, क्योंकि अम्मी बना रही है मीठे स्लाइस मेरे। है अम्मी कैसे होंगे बताए जरा। यार मेरी माँ के हाथ में बहुत लायक है, वैसे ये तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तू बाजारी करता है, ये भी कहा था यार अभी राज की बातें नहीं बताते, नहीं बताते। चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, बाजार का गंद पसंद है तुम्हें। कैमरा बंद करो। नाश्ता बन के आ चुके हैं, साथ गरम गरम चाय पड़ी है और ये मेरे मीठे स्लाइस पड़े हैं। और पापा भाई सुकून मोल अपना नाश्ता कर रहे हैं कि बता, सुला भी नहीं मारता कोई है ये। चलो मीठे स्लाइस खा के देखते हैं पहले है किस तरह के। अम्मी कमाल, शुक्र अगर तुझे कुछ पसंद आई है। बहुत कमाल बनाया आपने, यकीन करें। नाश्ता मैं उनको नहीं बताऊंगा कि आपने मुझे 500 रुपया भी दिया ये कहने के लिए। बहुत मजेदार बनाया है। नंबर वन ये झूठा बच्चा, ये झूठ बोल है। यार बोर की थकी हो रही थी तो मैं तब से गेम ही खेल रहा था यहाँ पे बैठा हुआ। तो अम्मी पीछे पड़ गई मेरी, अम्मी कह रही है कि जाओ जाके जरा खत वगैरह करवा के आओ। और पापा इधर जरा सिलाई कर रहे हैं, सिलाई से मुराद यानी कि कपड़े को स्टिच कर रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर टांके टूंगे लगने की जरूरत है, जिप वगैरह लगने की। और अब मैं जाने लगूँ, ये देखें ये सारे के सारे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। शादी पे जाना है आज कजन की, तो वहाँ पर जाके भी आप लोगों को दिखाएंगे अगर दिखा पाया तो, वादा नहीं है ये आपसे। तो अब मैं जाने लगूँ खत करवाने। तुम्हारा भाई आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट में कटिंग वाली दुकान के पास, ये दुकान है यहाँ से तुम्हारा भाई अभी कटिंग करवाएगा और थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह सेट करवाएगा। अभी तुम्हें दिखाते हैं कैसा लगता हूँ मैं। तुम्हारे भाई ने खत करवा लिया है। अब तुम्हारा भाई अगर चिकना और प्यारा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरी, और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा हूँ यार मैं। आखिर 250 रुपये खर्चे हैं यार मैंने, इतना महंगा खत करवाया है। यार मैं लेटा हुआ था और पापा आ गए, और पापा ने कोई एक अच्छी न्यूज़ सुनाई है। पापा क्या कह रहे थे अभी आप? मैं कह रहा था कि उसने बंदे से लिए जुराबे। अच्छा तो उसने जो पैसे वापस दिए ना, सिर्फ एक जुराब के काटे। अच्छा वो क्यों? बस पठान है ना, तो इसमें क्या कमाल था बाबा बता ना। वो तो 1000 रुपया बता के 10 रुपये में चीज दे देते हैं। तो जब मैंने उसको वापस पैसे दिए ना जो इजाफे दिए हुए थे, कहता है वो इस दुनिया में बहुत आपसे आप जैसे लोग कम होते हैं यार इस दुनिया में। फिर मैं मेडिकल वहां से ये दवाई भी ले आया हूँ, खांसी जुकाम बुखार। यार पापा के लिए मैं यही कहूँगा कि पापा के लिए दुआ करें
तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से अम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, और सोने पे सुहागा मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। तो दवा की अपील आप लोगों से, बाकी पापा कुछ और भी बताना चाह रहे हैं उनसे तरह वो भी सुन लें। हाँ जी, मैंने वहाँ पर देखा एक नया जो ना रेस्टोरेंट खुला है ये। प्रमोशन कर देते हैं यार हम, फ्री की प्रमोशन, क्योंकि आप लोगों को पता हम सखी दिल हैं, तो प्रमोशन करना हमारा काम है। आप आए, आपको भी हम प्रमोट कर देंगे, क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में हैं पापा, बताए जरा इनको। यार दुआ करो यार, तबीयत ठीक हो पापा की मेरे, आज शादी पे भी जाना ऊपर से हमने, तबीयत बड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है मेरी, सुबह से बुखार हुआ हुआ है, अम्मी ने भी बताया था सुबह आप लोगों को कि बुखार है मुझे, और से मैंने आज शादी पे भी जाना है यार। ये सिर्फ आप लोगों से मोहब्बत है जो मैं ये फ़ोन का कैमरा खोल के व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ और फिर एडिटिंग वगैरह भी करने में लग जाता हूँ, और आप अगर आप लोग प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएंगे तो फिर इसमें दिल टूट जाएगा, यकीन करें। तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना यार, जज़ाकअल्लाह। अज़ानों का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अपनी बीमारी वगैरह हर चीज़ को साइड पर रख के नमाज़ पढ़ी जाए ताकि अल्लाह मुझे शिफा दे, तो अब नमाज़ पढ़ेंगे। पापा बुला रहे हैं तो पापा की बात सुन लेते हैं। चलो पापा ने कह दिया काम, तो पहले पापा का काम कर लेते हैं फिर आके नमाज पढ़ लूंगा मैं, ठीक है। यार मैं मार्केट में आया हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आवारा कुत्ता नजर आया, इसको भी मैं खिलाऊंगा एक बिस्कुट, इंसानियत के नाते, सर्दी है बेचारे भूखे होते हैं, इंसानों से डरते भी रहते हैं, तो इनको कुछ खिला देना चाहिए हमें। तो यार ये इसके सामने बिस्कुट रख देते हैं जाके हम। ओए वो भाग ही गया भाई, इसने तो मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, बिस्कुट को मुंह तक नहीं लगाया, शायद चॉकलेट बिस्कुट इसको पसंद ही नहीं है, अभी ना मेरे खाने का ना इसके खाने का है, किसी और को खिला देंगे हम, निशाई को खिला देंगे किसी के भी, अभी किसी निशाई को खिलाते हैं बल्कि। मुझे मेरे ताया का बेटा मिल चुका है और इसकी है शादी आज, माशाल्लाह से दूल्हा भाई हमारे, कैसे है प्यारा लग रहा है बहुत ज्यादा, फुल चिकना हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसकी जोड़ी सलामत रखे। किसके साथ शादी हो रही है अभी? मैं बोलना नहीं चाहूंगा। भागो इधर से भाई, गई वैसे मेरी समझ से बाहर है कि पापा ने यूएचयू का करना क्या है, तो इसका हम पापा से पूछ लेते हैं। पापा क्या करना है यूएचयू का? तेरी मम्मा की जूती का फूल ऊपर से उतरा है। अच्छा और गाने हैं इसके साथ। अच्छा मोहब्बतें कि अम्मी की जूती से फूल उतरा हुआ, तो फूल लगाना है वहाँ पर। पहले तो मुझे शक पड़ रहा था कि मेरी जुबान बंद करने के लिए तो नहीं यूएचयू मंगवा रहे। अच्छा जो बिस्कुट था ना उसको तो कुत्ते ने मुंह तक नहीं लगाया, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं नशियों को लाऊंगा, फिर मैं कहा नशियों को क्या खिलाना, वो तो वैसे ही भंग होते हैं, जहाज में नहीं होते हैं भाई वो तो फूल, उन्होंने क्या खाना, उनको तो चाहिए सिर्फ चरस गांजा आइस का नशा। तो उसकी जगह पे बेहतरीन हालत है ये मेरे हरामी तोते बुकड़, इनको खिलाऊंगा अभी मैं ये वाला बिस्कुट। तो जी मैंने अपने तोतों को ये बिस्कुट डाल दिया है, और ये मुझे लगता है कि मुझे दुआएं भी देंगे, ऐसा ही है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया करो यार, बोल के कुछ बेले मसुंडो की तरह बस हर वक्त खाते ही रहते हो, कैसे देख रहे हैं मासूम। ओए तो तू नहीं, नो प्लीज काटते नहीं है, देखा काटते नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। तो हमारी शादी की प्रिपरेशन हो गई, लाइट ही चल गई है यार यहाँ पर, अभी भाई ने ये वाली एनर्जी सेवर वाली लाइट लगाई है, तो बस अब सारे तैयार हो रहे हैं, और अम्मी गुस्सा कर रही है भाई बहुत ज्यादा, मेरी गलती है अभी जब तो लाइट चली गई है, तो बस अब टाइम वेस्ट किए बगैर तुम्हारा भाई रेडी होने लगा है, और रेडी हो गया तुम्हें दिखाया है तुम्हारा भाई कैसा हीरो लगता है। तो यार अब तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, कपड़े कुपड़े पहन लिए मैंने, लाइट गई हुई थी, टाई वगैरह तो मुझे मिली नहीं है, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा भाई रेडी हुआ है, नहाया भी नहीं कुछ भी नहीं किया, और सिंपल कपड़े पहन लिए बस। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें प्यारा लग रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वहां पर जाएंगे वहां पर जाके भी भंगड़ा भुंगड़ा करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये तो अब तुम्हारा भाई शादी वाले घर में आ चुका है, और मेरे साथ मेरा कजन मौजूद है भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, यार ये बहुत शर्माते हैं कजन से, अब मैं आपको दिखाने लगूं अपने दूसरे कजन मेरे ताया के बेटे, ये फुल चिल, और ये उस्ताद भी है हमारे माशाल्लाह से है। वही अब शादी वाले घर में दूल्हा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है इस वक्त, और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, ये चीज है अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाए माशाल्लाह, ये मेरे भाई के लिए दुआ करनी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं दूल्हे पर, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे हैं सब, ये चीज थैंक यू, बोलो भैया भैया बारात के लिए बस वगैरह निकलना शुरू हो गई है, एक बस वो खड़ी है, और पापा जाके मिलेंगे हम हाल के बाहर खड़े हैं, और हमदा भाई तो पकड़ा ही नहीं जा रहा भाई, पापा को तो देखो जरा, और ये फुल्ली रेडी भाई है। मैं आप सबको एक मजेदार बात बताने लगा, वो ये है कि तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, कि मेरे इस्तकबाल के लिए इतने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर हार लेके, अभी सारे मुझे हार भी डालेंगे, तो ये है मेरे दादाबू जो बचपन में हमसे बिछड़ गए थे, और आज मुझे मिल गए यहाँ पर शादी पे, वीडियो लाइक करवा दे, बोले वीडियो लाइक, ये अबे के कहने में वीडियो लाइक होनी चाहिए, बाजे बजाओ बाजे, वही बाजे।
फुल खुश है भाई माशाल्लाह से। यहाँ पर सूप आ चुका है, पहले हम पियेंगे सूप सारे। ये रहा सूप, ये पी रहे, ये भी पी रहे हैं भाई, और अब मैं भी पीऊंगा सूप। ये बोला है अगली शादी दे रही है बेटे। नंबर तेरा लगता है। नहीं पहले मैं करूंगा इंशाल्लाह। भाइयो कजन बैठे हैं सारे, अलग ही माहौल है, खुशी का मजा आ गया है यार। मेरी फेवरेट लाइन खुदा के घर का दुल्हन है नबी के घर की, वो अंजु समा का मालिक है मलका बहरों भर की समीरत सा। कसीदे लगे हुए हैं तो मैं कहूँ रोने लग गई। तो खाना आ चुका है, आए हाय हाय कमाल। बाकी चीजें किधर है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आराम से खाएंगे, आए खाना खाने के लिए थे हम। शाउट आउट दे दो, ये मेरा कजन है अली मुराद, इसको चैनल का नाम इतना चैनल ही नहीं है। जब बनेगा तो मैं जरूर शाउट आउट दे दूंगा। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मेरे, मुबारक मात्र दे दूंगे। ये जी ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए बस हमें, जिस तरह और खाने पे नजर रखनी चाहिए, बहुत कुछ भी नहीं शादी पे। बाकी शादी सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, आगे हम इधर बैठेंगे भाई। मेरा फोकस पूरा खाने के ऊपर है यार, पूरा फोकस कहो तो भी। यार इनको तो देखो दोनों को, ये हमारा दूल्हा भाई है, अभी भी शादी हुई इसकी, इसने देखा नहीं शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मैंने रोटी खोल दी है, लेकिन यहाँ पर सारे पता नहीं कि शरीफ बन के बैठे हैं और अभी तक खाना नहीं खा रहे। अली मुराद प्लीज प्लीज कासिम प्लीज यार, खाना खाना आ गया, खा लो। मैं सिर्फ बड़े होने का लिहाज कर रहा हूँ और खाना नहीं खा रहा अभी तक। एक तरफ शादी की रस्में हो रही हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई खोखे के ऊपर बैठ के पापड़ खा रहा है, क्या ही मजा है इस चीज का। करने दो भाई इनको, अपनी भी शादी होगी इंशाल्लाह। तो यार शादी से वापस घर में आ चुका हूँ, मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं और आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को मैंने दिखाना था। अगर आप लोगों ने मेरे साथ थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि मैंने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ मैंने सही वीडियो बनाया, और मुझे इसी तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोग भी देते रहे। कल भी शादी का इवेंट है, कल भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, और अब तुम्हारा भी बहुत ज्यादा थक चुका है। तो इतना ही बस कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। मैं लगा सोने, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।